ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم बुजुर्गान मोहतरम, ये इस्लामी साल का आगाज हो चुका है और इस्लामी साल सन 1444 हिजरी में आप हम सब ने कदम रखा है। इस्लामी साल का आगाज और चांद के महीनों का आगाज और तारीखों का आगाज ये चांद के एतबार से होता है, जबकि आप जिनको सरकारी महीने कहते हैं या जनवरी फरवरी के नाम से याद करते हैं, इनका आगाज सूरज के एतबार से होता है। तो इस वक्त दुनिया में दो निज़ाम कायम हैं, शमसी निज़ाम और कमरी निज़ाम। हम जो है कमरी निज़ाम के मातहत अपनी तमाम इस्लामियात को जोड़ते हैं और उसी के मुताबिक ये सारे के सारे अहकामात वाबस्ता होते हैं। उसी मुनासबत से ये सन हिजरी के एतबार से सन 1444 हिजरी ये शुरू हो चुकी है। सन 1444 हिजरी का पहला महीना माहे मुहर्रमुल हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका आगाज हो गया। हिजरी किसे कहते हैं? हिजरत का मतलब होता है हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ा, अल्लाह का हुक्म पाकर और मक्का छोड़कर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो मदीने तैयबा जिस वक़्त आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, वो मक्का छोड़कर मदीना बसाने के लिए जो जाने का वक्त था उसे कहते हैं हिजरत। कि आपने मक्का छोड़कर अब मदीना को मदीना शहर बसाना शुरू फरमाया, तो ये जब से आपने मदीना तैयबा बसाना शुरू फरमाया, बस उस साल को हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी दूरअंदेशी से और नूर बसीरत से हिजरत के लिए सन का साल उसको करार दिया। इस मुनासिबत से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले गए और मदीना को आपने जब बसाया, तो उसको अब 1443 साल मुकम्मल हो गए और 1400 के बाद यानी 44वां साल अब शुरू हो चुका है वो हिजरत का। ये हिजरत कहलाता है। आपने हिजरत क्यों फरमाया? असल में पैगंबर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ना इसलिए ज़रूरत बन गया था कि आप अलैहिस्सलाम ने तौहीद का ऐलान मक्कतुल मुकर्रमा में किया, और जब तौहीद का ऐलान फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को सुनने के लिए मुशरिकीन तैयार नहीं हुए। चंद मुसलमान थे और चंद ही लोग थे जो मुसलमान हो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीद के ऐलान को उन्होंने कबूल किया और फिर वो मुसलमान हो गए। लेकिन जितने लोग मुसलमान हो गए उनको तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाने लगी और उनके लिए इबादतें करना दुश्वार हो गया, हत्ता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद बाज़ाब्ता कत्ल की साजिश मुशरिकीन ने रच दी
और इस किस्म के मुख्तलिफ हालात जब पैदा हो गए तो अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म आया कि पैगंबर अब आप जो है मक्का को छोड़ दीजिए। उधर मदीना के लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए बेचैन थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लाइन का साथ देने का उन्होंने तहैया कर लिया था। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़ने का फैसला फरमा लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर जा रहे थे तो आप एक टीले पर चढ़े जहाँ से पूरा मक्का नज़र आता था और वहाँ नज़र आकर आपने फरमाया, ऐ मक्का की ज़मीन तो कितनी बेहतरीन ज़मीन है, तो कितनी बेहतरीन ज़मीन है, तो ज़मीन में सबसे बेहतरीन हिस्सा है। अगर मेरी कौम तुझे छोड़ने पर मजबूर न करती तो मैं तुझे नहीं छोड़ता था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा तो अल्लाह का हुक्म पाकर मैं छोड़ रहा हूँ। और आप उस वक़्त नमदीदा थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक ग़ुलाम आपके साथ थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिजरत का सफ़र फरमाया और आपने हिजरत का सफ़र फरमा कर मक्कतुल मुकर्रमा को अब हमेशा के लिए अपना शहर बसाया। अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 53 साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारे। ज़िंदगी के आखिरी 10 साल की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीन तैयबा आ गए और मदीन तैयबा को बसाया। इस तरह ये 53 और वो 10 मदीन तैयबा के 10, इस तरह आपके कुल 53 साल हुए ज़िंदगी के। तो आपने जो हिजरत फरमाई मक्कतुल मुकर्रमा को छोड़कर और जो मदीन तैयबा को बसाया, तो ये मदीन तैयबा बसाने को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का को छोड़कर मदीना को सफ़र करने को तकरीबन 1443 साल गुजर गए, 1400 साल और फिर 43 साल, इतना अरसा गुजर गया। गोया यूँ समझिए कि और 57 साल के बाद पूरे मुकम्मल 1500 साल हो जाएंगे मक्का छोड़कर मदीना बसाने पर, और उस वक्त के एतबार से इस साल को हिजरत का साल कहा गया। बहरहाल ये हिजरत की मुख्तसर सी तफसील थी जो आपने सुनी। अब इसी को सन हिजरी के तौर पर अलामत बनाया गया, जैसे हर एक की सन फसली, सन जुलूस, बहुत सारे बादशाहों ने अपनी अपनी तारीखों को और तरीक़ों को उन्होंने बनाया। और ईसाइयों ने सन ईसवी यानी हुजूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम विलादत को उन्होंने सन बना दिया। तो ये किसी ने सन ईसवी बनाया, सन जुलूस बनाया, सन फसली बनाई। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये सन के लिए जब तारीख का यानी वक्त का इंतखाब फरमाया तो उसके लिए सन हिजरी को मुकर्रर किया कि आपके हिजरत से इन सालों को जो है गिना जाए। तो अब हमारे लिए सन की अहमियत इस वजह से आई, अब हम जो भी काम करते हैं तो इसी मुनासबत से वक्त को मुकर्रर करके करते हैं। लिहाजा ये सन हिजरी का 1444वां साल अब शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका यह पहला महीना माह मुहर्रमुल हराम है, उसका आगाज हो चुका है। साल के पूरे 12 महीने ये कुरान से साबित है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह, अल्लाह के नज़दीक साल के महीनों की तादाद 12 है। और ये आजकल से नहीं हुए, यौम खलक़स समावाती वल अर्ज़, न ये किसी नबी ने बनाया न पैगंबर ने, ये अल्लाह ही ने बनाया और उसी वक्त से बने हैं जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया है। इस मुनासबत से ये साल के 12 महीने पहले से चले आ रहे हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया, मिन्हा अरबातुन हुरुम, इन्हीं में 4 महीने बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है। 4 महीने इसमें ज़िक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम, ज़िक़ादा, ज़िलहज, मुहर्रम और इधर है रजब, ये 4 महीने इनको मजीद काबिल एहतराम कहा गया है। इसमें रमज़ान नहीं है, रमज़ान की मुस्तकिल अपनी एक अलग से फजीलत है,
ये चार महीने अलग है। चार महीनों को अलग क्यों कहा गया? इस वजह से इन चार महीनों को अलहदा बयान किया गया कि मुशरिकीन बहुत ज़्यादा आपस में मार धाड़ करते थे, लूट खसोट कर लिया करते थे। कोई शख्स नजर आए बस उसका पीछा कर लिया करते थे। अब ये सारे के सारे चीज़ें होती थी, लेकिन वो बावजूद के मुशरिक थे, मिल्लत इब्राहिमी का बहुत ज़्यादा वो लोग भी एहतराम करते थे। तो चूँकि मिल्लत इब्राहिमी के एतबार से हज जो होता है वो आम तौर पर यही तीन महीने में, जिलहज, ज़िलक़ादा, जिलहज और मुहर्रम। चूँकि हज तो होता है जिलहज में, लेकिन ज़िलक़ादा आने के लिए और मुहर्रम हज के बाद जाने के लिए, इस तरह ये तीन महीने मुकम्मल हज में इस्तेमाल होते थे। तो ये तीन महीनों तक अगर कोई कहीं मिले मुशरिकीन को, कितना ही माल वाला कैसे ही शख्स मिले, वो उसको छेड़छाड़ नहीं करते थे। वो कहते थे ये अल्लाह के घर का मेहमान है, इसको न छेड़ा जाए। बावजूद ये कि वो मुशरिक थे, लेकिन वो उनका एहतराम करते थे और इस तरह इनको छेड़छाड़ नहीं करते थे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये तीन महीने हज के मुकर्रर फरमाए और चौथा महीना रजब का। रजब को अलग की इस वजह से रखा गया कि बहुत सारे लोगों के दिलों में ये ख्याल पैदा होता है कि अब हज कर कर छः महीने हो गए, हमें बैतुल्ला शरीफ जाकर उम्रा करना चाहिए। तो बीच में अगर उम्रे की याद आए तो अलाहदा से एक महीना उसके लिए रखा गया था, तो उसमें ताकि आफियत के साथ वो उम्रा करने के लिए आए और उम्रा करके चले जाए। इस तरह से ये चार महीने जो है ये काबिल एहतराम और मिनहा अरबातुन हुरुम कहकर अल्लाह ने उनको अलग से जिक्र फरमा दिया। उन्हीं में ये मुहर्रम का महीना भी है, काबिल एहतराम महीना, कि इसमें झगड़े नहीं होना चाहिए, जंगो फसाद नहीं होना चाहिए, लूट खसोट नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे इसके अहकाम अगरचे के मनसूख हो गए, लेकिन इसका एहतराम अब भी बाकी है कि जैसे वो मुशरिक होकर इसका एहतराम करते थे, तो मुसलमानों को बहुत ज्यादा एहतराम करना चाहिए झगड़े फसाद से, आपस में तोड़ और इंतशार से, इख्तलाफ से बचने बचाने की जरूरत है। वो मुशरिक होकर तो एहतराम करें और हम मुसलमान होकर ना करें। हमें चाहिए कि हम इनका खसूसी तौर पर एहतराम करें। अब देखिए ये पहले से सिलसिला चले आ रहा है, अल्लाह फरमा रहे हैं यौम खलकत समावाती वल अर्ज, जिस दिन आसमान और जमीन पैदा की गई उसी दिन से इनको काबिल एहतराम बनाया जा रहा है और मनाया जा रहा है। माह मुहर्रम में ऐसे अंबिया अलैहिस्सलाम को खुसूसी इनामात दिए गए, कई अंबिया का तज़किरा है और जो है मुहद्दिसीन ने ऐसे 10 अंबिया का खुसूसी तौर पर जिक्र फरमाया है जिनको खुसूसी अल्लाह तबारक व ताला ने इनाम और एजाज माह मुहर्रम में अता फरमाया है। तो माह मुहर्रम में भी यौम आशूरा में 10वीं मुहर्रम को इसकी बड़ी अहमियत है। पहले रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे हुजूर की शरीयत से पहले, लेकिन कहते हैं कि माह मुहर्रम में आशूरा का रोजा पहले भी फर्ज था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुहर्रम का रोजा पहले से रखते आए हैं। तो यह सिलसिला पहले से चला आ रहा है कि माह मुहर्रम बाबरकत है, माह मुहर्रम खैर का महीना है, माह मुहर्रम में अल्लाह तबारक व तआला की खुसूसी इनायात है। ये इस्लामी साल का पहला महीना है, बाबरकत महीना है और इस्लामी साल का आगाज माह मुहर्रम से होता है। तो ये सारी खूबियां अल्लाह तबारक व ताला ने माह मुहर्रम को अता फरमाई है। यहां सवाल पैदा होता है कि जब इतना बाअज़मत, बाहुरमत, बाबरकत ये महीना माह मुहर्रम है तो फिर इसे मनहूस क्यों समझा जाता है, गम का महीना क्यों बताया जाता है, लोग इसमें अपनी शादियां क्यों नहीं करते हैं, अपने इफ्तिताहात और अच्छी चीजों का आगाज करने में लोग क्यों पसो पेश करते हैं, क्या वजह है कि ऐसा किया जाता है, यह बात आप समझने से ताल्लुक रखती है, इसको समझिए। दरअसल बात यह है, इस्लामी साल का पहला महीना माह मुहर्रमुल हराम जैसे पहले से बाबरकत है, बाबरकत ही है, काबिल एहतराम था, काबिल एहतराम भी है, इसकी हुरमत पहले भी थी, आज भी है, कयामत तक रहेगी।
और इसके बारे में न कोई नहुसत का कोई अकीदा है, ना ही कोई गम का ये महीना है। इसको बाद के लोगों ने इसे मगमूम और मनहूस करार दिया, ये बाद के लोगों की पैदावार है। हमारा ऐसे लोगों से न इत्तेफाक है, ना ही ऐसे लोगों का इस्लाम से और मुसलमानों से कोई ताल्लुक है। ये और बात है कि मुसलमानों में ऐसे लोगों की बातें दाखिल हो चुकी है। दरअसल बात यह हुई कि एक फिरका है, फिरका शिया, यह पैदा हुआ है यहूदियों से। यहूदी में एक शख्स था अब्दुल्ला इब्ने सबा। यह अब्दुल्ला इब्ने सबा, इसने तफरीक बैनल मुस्लिमीन का काम किया, यानी मुसलमानों में आपस में तोड़ पैदा करना और दरार पैदा करने का काम अब्दुल्ला इब्ने सबा ने अपने जमाने में किया। ये यहूदी यहूदियों में से था। इसने बाद में निफाक वाला अंदाज इख्तियार कर लिया और ये मुनाफिकों का सरदार डालने वाला ये इनका सरखेल अब्दुल्ला इब्ने सबा रहा है। और इसने, अब ये लंबी तफसीलात है, मुख्तसर मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, इसने ये बात लोगों में वरगलाई कि असल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा वो होना चाहिए जिनका ताल्लुक हुजूर के घराने से सबसे ज्यादा है, और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हो या उमर फारूक हो या फिर बाद में उस्मान गनी हो, जाहिर है इनको वो हुजूर के घराने से करीब नहीं समझता था। तो उसके जहन में यह बात थी कि हुजूर दामाद रसूल भी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत अली दामाद रसूल भी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई भी हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अली से काफी मुनासिबतें हैं, कई दिनों तक हुजूर ने हजरत अली की परवरिश फरमाई। तो ये सारी कैफियात के बिना पर खलीफा बिला फसल, यानी बगैर किसी फसल के बराह रास्त खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होना चाहिए। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने, हजरत उमर फारूक ने, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने, उसने ऐसी बात फैलाया कि अलायाज बिल्ला इन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का हक मार कर ये खुद ओहदे पर आगे चले गए। ये बात उसने चलाई। फिर उसके बाद उसने देखा कि लोग मेरे चुंगल में आ रहे हैं, तो उसने फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को माफोकल बशर हस्ती बनाई, यानी उसने कहा ये इंसानों में सबसे अफजल है। फिर उनमें अकीदे छोड़ दिया और अकीदे ये बनाता बताता गया, असल में नबी तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ही बनने वाले थे, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पहली वही लेकर आए तो उनसे गलती हो गई और बजाय हजरत अली के वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर गए। ये अकीदा उसने चलाया। उसके बाद फिर उसने कहा हमारे 12 इमाम है, इमाम 12 है, और 12 इमाम में पहले इमाम हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु है, दूसरे इमाम हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु है, और तीसरे इमाम हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु है, और ऐसे ही हमारे 12वें इमाम है, ये सुर्रा मन रआह एक गार का नाम है, वो उस गार में जाकर छुप गए हैं और क़ुर्बे क़यामत हमारे 12वें इमाम आएंगे। ये उसने अकीदा चलाया। आज भी शियों का यही अकीदा है। वो उसने ये अकीदा चलाया कि कुरान करीम के 30 पारे नहीं 40 पारे हैं, 30 तो ये हैं और बाकी 10 पारे वो है जिसमें पंजतन का अकीदा बयान किया गया है। पंजतन यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत फातिमतुज़्ज़हरा, हजरत अली मुर्तजा, हजरत हसन और हजरत हुसैन, इन पांचों को पंजतन कहते हैं। और उसने कहा कि ये पंजतन का पूरा अकीदा उसमें है, और हमारे कुरान का नाम मुसहफ़े फातिमी है, मुसहफ़े फातिमी, ये पांचों का मुकम्मल तज़किरा उसमें है। ये अकीदे बहरहाल वो चलाता रहा और लोगों को पट्टी पढ़ाता रहा। कुछ लोग उसके चुंगल में आ गए और उसकी बात लोगों ने मान ली। लोग तो जाहिर है कि कोई खुदाई का दावा करे 10-5 उसके पुजारी उसको मिल ही जाते हैं, तो उस जमाने में उसको भी कुछ लोग मिल गए
और फितना फैलाने का उसको मौका मिल गया। और इस तरह कर कर उसने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहरहाल शहीद करवा दिया। और हजरत अली हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को शहीद करवा कर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को खूब उसने ऊंचा करके बताया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारक में फरमाया था कि अली तुम्हारे बारे में दो तरह के फिरके पैदा होंगे, एक तुमसे मोहब्बत करने वाला और एक तुमसे बुग्ज रखने वाला। ये हुजूर ने फरमा दिया था। हुजूर की ये पेशन गोई हजरत अली के सामने ही आई तो एक फिरके ने तो हुजूर हजरत अली से मोहब्बत किया। जिसने मोहब्बत किया उनको शियान अली कहा जाता है, वही फिरका शिया है। और दूसरा फिरका खवारिज, खवारिज का फिरका, आज भी आप ये फिरके को जानते हैं। ये खवारिज का फिरका यानी वो फिरका जो हजरत अली की मोहब्बत से खारिज हो गया, यानी हजरत अली रजी अल्लाह अनु से जिन्होंने मोहब्बत नहीं की वो खवारिज कहलाते। उसी में का एक बदबख्त इब्ने मुलजिम ये खड़ा हुआ और बिल आखिर उसने हजरत अली रजी अल्लाह अनु को भी शहीद करा दिया। हजरत अली रजी अल्लाह अनु के शहीद होने के बाद इमारत आई हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु के पास। ये देखिए सिलसिला चल रहा है, पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत उमर फारूक, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली मुर्तजा और उनके बाद हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अनु। ये हजरत अमीर मुआविया, इनके बीच में कुछ दिन के लिए हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अनु भी रहे हैं। उन्होंने तकमील की तकरीबन 33 साल की खिलाफत आला नहज नबुवा ये जो चली है वो तकरीबन 33 साल तक हुजूर के बाद चली है। और उनके बाद जो है कुछ दिनों तक हजरत हसन रजी अल्लाह अनु रहे, बाद में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अनु ने इमारत की बागडोर संभाली और उनके बाद फिर मसला उठा के अब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अनु के बाद अब कौन। तो वहां बात यह चली कि उन्होंने अपने बेटे यजीद को अपने बाद खिलाफत और इमारत के लिए नामजद कर दिया। अब इस मामले में काफी इख्तिलाफ हुआ, उसमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह अनु ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हजरत हुसैन ने फरमाया बाप के बाद बेटा ये खलीफतुल मुस्लिमीन बनता रहे। तो ये सिलसिला तो कैसर व किसरा में, जैसे अपने जमाने में यहां पर अमरीका और फिर इसी तरीके से चीन और इस तरीके से जो बड़े बड़े ममालिक कहलाते हैं तो इनकी सुपर पावर ताकतें कहलाती है, बड़े ताकतवर मुल्क कहलाते हैं। उस जमाने में कैसर और किसरा ये बड़े ताकतवर ममालिक कहलाए जाते थे। हजरत हुसैन का इख्तिलाफ ये था कि अगर बाप के बाद बेटे ये खलीफतुल मुस्लिमीन बनते रहे तो फिर कैसर और किसरा के हुकूमत में और मेरे नाना के चला लाए हुए दीन में सारा फर्क भी खत्म हो जाएगा, लिहाजा हम इसको गुडमुड नहीं होने देंगे। इसलिए हजरत हुसैन ने अमीर मुआविया रजी अल्लाह अनु के बेटे यजीद के हाथ पर उन्होंने बैत नहीं फरमाई। इसलिए बैत नहीं फरमाई क्योंकि दीन का निजाम दरहम बरहम हो रहा था, इसलिए उन्होंने बैत नहीं की। बिल आखिर यजीद के ऐसे नुमाइंदे जिन्होंने फिर वो मामला पूरा खड़ा कर दिया जिसको आप वाकई करबला से याद करते हैं कि वो सन 61 हिजरी का पहला महीना माह मुहर्रमुल हराम की सन यानी 10 तारीख, तो 10 माह मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में वाकए करबला पेश आया। और वाकए करबला पेश आने के बाद फिर वहां पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अनु को शहीद कर दिया गया। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अनु शहीद होते सन 61 हिजरी में। 61 हिजरी तक मुझे जो बात आपको बतानी है वो ये थी, 61 हिजरी तक सब बराबर चल रहा था मामला और माह मुहर्रम के बारे में न कोई गम था, न नहुसत थी, न कोई मौका ऐसा था। सब जो है हत्ता के शिया भी और ये यहूद भी और मुनाफिकीन भी सब इस महीने को मुबारक माना करते थे। अब चूंकि 61 हिजरी में हजरत हुसैन रजी अल्लाह अनु की शहादत हुई तो अब उनको फितना उठाने का मौका मिला कि चूंकि हमारे तीसरे इमाम, पहले इमाम तो हजरत अली रजी अल्लाह अनु, दूसरे हजरत हसन रजी अल्लाह अनु, तीसरे हजरत हुसैन रजी अल्लाह अनु, हजरत हुसैन की शहादत माह मुहर्रम 10 मुहर्रम को हुई, इसलिए शिया के बड़े इमाम गोया शहीद हो जाते हैं तो उनके नजदीक सबसे ज्यादा मजमूम और मनहूस चीज अगर कोई है
तो वो मुहर्रम के ये 10 दिन है, 10वीं तारीख है, शहादत बुरी चीज है उनके पास। और जब से उन्होंने गम और नहुसत का अकीदा फैलाना शुरू कर दिया, चूंकि हमारे अकीदे को ठेस पहुंची थी 10वीं मुहर्रम को, ये शिया ने ये अकीदा फैलाया। हिंदुस्तान में आज से कुछ सौ साल पहले शियों की हुकूमत रही है, और जब उनकी हुकूमत थी तो उनके बेगामात के पास मुसलमानों की औरतें भी उनके महल्लात में कामकाज करने के लिए जाती थी, उनके औरतों ने उनका अकीदा मुसलमान औरतों के जहनों में भी डाल दिया। और फिर उन्होंने भी ये बताया कि साल तो ऐसा रहे लेकिन जब माह मुहर्रम आए इसको गम का महीना मनाओ, इसमें खुशियां मत मनाओ, इसमें शादियां मत करो, इसमें किसी अच्छी चीज का इफ्तिताह मत करो, और तुम कोई अच्छी तकरीब मत करो। ये पट्टी उनकी औरतों ने मुसलमान औरतों को पढ़ाई, और जाहिर है कि उसके बाद से फिर ये अकीदा फैलता ही गया, यहां तक कि आज हम सन 1444 हिजरी में कदम रखे, इसके बावजूद आज भी लाखों मुसलमान ऐसे हैं कि आप देखें ये गैर मुस्लिमों में अखाड़ सरावन उनके पास आता है सारे चीजों पर पाबंदी का, तो मुसलमानों ने भी अब मुहर्रम के 10 दिन को उनके जैसे दिन मनाने शुरू कर दिए। अब क्या होगा कि मुसलमान भी इन दिनों में शादियां नहीं कर रहे हैं, शादियां हो भी चुकी है तो दुल्हन को उसके दुल्हे के यहां नहीं भेजेंगे, दुकान मकान कारोबार का इफ्तिताह नहीं करेंगे, चूंकि ये गम का महीना है अलायाजुबिल्ला। ये थी शिया की हकीकत जो आपको बताया भाइयों, इसका ताल्लुक अकाइद से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो मुसलमान रहकर भी जिस कौम की चाल चलन पर चलेगा, जो मुसलमान मुसलमान रहकर जिस कौम की चाल चलन इख्तियार करेगा, कल कयामत के दिन अल्लाह इस मुसलमान को उसी कौम के कठेरे में फेंक देगा जिसने जिसकी मुशाबात इख्तियार की, कल कयामत के दिन इसको उन्हीं में डाल दिया जाएगा। अब अगर किसी मुसलमान ने यह समझकर माह मुहर्रम में शादी नहीं की कि यह गम का महीना है, यह मनहूस है, तो शिया के साथ अल्लाह इसको फेंक देंगे कयामत के दिन। गम मना रहे हैं, दुल्हनों को जो वापस बुला बुला के लेते हैं ये 10 दिनों में, कल कयामत के दिन शियों के साथ इनको भी फेंक दिया जाएगा। क्योंकि हमारे पास तो हमारा अकीदा साफ और शफाफ है कि ऐसा गम की कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। ये तो ये बातिल अकीदा रखने वालों ने, अभी आपने सुना कि उनके पास कुरान के 40 पारे हैं, आपने कभी सुना है ऐसा? अब जाहिर है कि जाहिर जो कुरान के पारे ही 40 माने वो मुसलमान ही कहां रहा। जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को, हजरत उमर फारूक और उस्मान गनी को हक मारने वाला बता दे और गासिब कह दे अलाज़ बिल्ला, ये मुसलमान है? जाहिर है कि ऐसे शियों का गोया जो मुसलमान इस महीने को भी अब भी गम का महीना मनाते हैं और मनहूस समझते हैं, गोया वो ये गंदी जहनियत रखने वाले शियों का साथ दे रहे हैं। इस वजह से कयामत के दिन अल्लाह पाक इनको उन्हीं के साथ डाल देगा। आपको मालूम है कि ऐसों का क्या हशर अल्लाह के पास होने वाला है। उनमें मुख्तलिफ अकीदे रखने वाले लोग हैं, लेकिन भाइयों हमको बस ये बात समझनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रम अल-हराम ये गम का महीना पतान नहीं है। आप शौक से अपने दुकानों पे लिख लिख के लगाइए, मैंने अपने दुकान का इफ्तिताह इस्लामी सन हिजरी 1444 हिजरी में अल्हम्दुलिल्लाह दुकान का आगाज हुआ, मकान का सन 1444 हिजरी के 7 तारीख में, 8 तारीख में, 9 तारीख में, 10 तारीख में शादी है, इसका प्रोग्राम है, इनका ताल्लुक है, माशाल्लाह हमारी बेटियां खुसूसी तौर पर इस महीने में उनके शोहरों के यहाँ भेजी जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई बदअकीदगी मनहूस अकीदा है ही नहीं। सब इसका एहतमाम अमल की फिक्र करेंगे भाई, औरतों को भी यह जहन बना दिया जाए, बता दिया जाए कि हमारा इस्लामी क्या जिम्मेदारी होती है और किस तरह हमें यह मामूलात। शौक से सारे काम कीजिए,
अलबत्ता मन हूं समल, इंसान का गुनाह होता है कि गुनाह नहीं करना चाहिए, ये गुनाह आदमी करे उसके हक में मनहूस है। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक महीने में जो अमल दिया है वो ये है कि रोजा रखने का एहतमाम किया जाए। चुनांचे दसवीं मुहर्रम, नौ मुहर्रम पीर के दिन और दसवीं मुहर्रम मंगल के दिन आने वाली है। अभी आने वाले पीर को नौ मुहर्रम और मंगल को दस मुहर्रम रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रोजा रखने का एहतमाम फरमाया, सहाबा को रोजा रखने की तरगीब दी। सहाबा ने जब पूछा अल्लाह के नबी यौम आशुरा दसवीं मुहर्रम को हमने रोजा रखा तो हमें इस पर क्या अजर मिलेगा, तो रियाजुस सालिहीन हदीस की एक किताब है उसमें ये रिवायत मनकूल है कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, युकफ्फिरुस सनतल माघिया, जो शख्स माह मुहर्रम की दसवीं तारीख को रोजा रखेगा अल्लाह उसके पिछले एक साल के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। मर्द हो, औरतें, जवान, बूढ़े, सब इस बात को चलाएं कि यौम आशुरा का जो चीज चलाने की है उसे तो दबा के रख दिया जाता है और जो दबाने की ही नहीं दफन करने की है उसे अमल में लाया जाता है। अफसोस, गम का अकीदा दफन किया जाए हमारा है ही नहीं। अमल की चीज रोजा रखना है कि 9-10 को याद, आप 10-11 को रोजा रखें। और बात भी यह है कि आप तो 10 तारीख को रोजा रखते थे, जब हिजरत फरमाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ लाए तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर तो जो है यहूदी और यहूदी भी रोजा रखने का एहतमाम करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा भाई क्यों रखते हैं। उन्होंने कहा हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को दसवीं मुहर्रम को अल्लाह ताला ने फिरौन से नजात अता फरमाई थी, इसके शुक्राने में हम रोजा रखते हैं। तो हुजूर ने फरमाया फनहनु अहक व औला बि मूसा मिनकुम, हमारा ताल्लुक तो तुम्हारे मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा है, लिहाजा हम रोजा रखेंगे और रोजा रखने में तुम यहूदियों की मुखालफत करेंगे, इबादत भी उनके जैसी नहीं। आप अब तक दसवीं मुहर्रम को ही रखा जाता था लेकिन चूंकि यहूदी इसी दिन रोजा रखते हैं तो हुजूर ने फरमाया लइन बकीतु फिल आमिल काबिल लअसुमन तासिअ, अगर आइंदा साल अल्लाह मेरी जिंदगी बाकी रखे तो मैं दसवीं के साथ नवी तारीख को भी रोजा रखूंगा ताकि यहूदियों की मुशाबहत ना हो जाए। लेकिन आइंदा साल आने से पहले ही हुजूर की वफात हसरत आयात का वाकया पेश आया। बहरहाल बात यह अर्ज करना है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा तो उम्मत को मालूम हुआ कि यहूदियों के जैसे रोजे न रखे जाए, इसलिए अब 9-10 या 10-11 मुहर्रम को रोजा रखा जाएगा। लिहाजा आने वाले पीर को 9 मुहर्रम है और आने वाली मंगल को 10 मुहर्रम है। तो ये सन 1444 हिजरी का पहला महीना माह है मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख बरोज पीर को होगी और 10 तारीख बरोज मंगल को होगी। लिहाजा भाइयों खुशकिस्मत बनो, साल भर के रोजों का कफारा अल्लाह बनाने वाला है, अपने आप को इसका लायक और काबिल बनाओ। घर में मर्दों में, औरतों में, जवानों में, बूढ़ों में ये बातों को चलाओ और पूरा समा हमारा ये यौम आशुरा का ऐसा बने कि गोया हर जगह हम रोजे ही की हालत में हो। आपने वो बस वो बात सुनी है कि दस्तरखान वसी करने वाली, तो बस लोग इतना दस्तरखान के चक्कर में पड़े जाते हैं, असल में अपना मफाद जिससे वाबस्ता होता है लोग उसको बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं। भाई अगर वसी करना भी है तो आप शाम में कीजिए लेकिन दिन में तो रोजा रखने का एहतमाम करना है। सब रोजे के साथ रहे और रोजा रखने की फिक्र करते रहे, रोजों पर ध्यान दे, रोजों की अहमियत है, रोजों का बड़ा एहतमाम करना चाहिए। लिहाजा पूरे इलाके में भाइयों रमजान जैसा अपना माहौल कायम करने की फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुन्नत शरीयत को जिंदगी के हर हाल में जिंदा रखने और जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।